आजकल मार्केट रे मैंने पत्ता गोभी बहुत अच्छी आ रही है। पत्ता गोभी रे सब्जी तो आप बहुत तरह बनान खाई बोला, पर आज मैं आपने पत्ता गोभी रे बिल्कुल एक नया नाश्ता बनावनी बताऊंगा। तो राम राम साह पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। इस वास्ते मैं अटे एक बड़ी साइज की पत्ता गोभी ली हुई हूँ। आप भी जट तक हो सके बड़ी वाली पत्ता गोभी लीजो। इन मायने लगभग अपने 7-8 पत्ता निकालना है, तो आप अपनी जरूरत रे हिसाब पत्ता बत्ता कम भी निकाल सको। पत्ता इन तरह इन मत आप निकाल लीजो, आराम हो निकल जाए। निकालती टाइम थोड़ा बहुत टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, पर जट तक हो सके आप साबुत पत्ता निकालने की कोशिश कर जो। बड़ा बड़ा पत्ता वेला तो आराम यूज हो जावेला। इन तरह मैं पत्ता निकाल लिया हूँ, और इन मैं एक पत्ता लेना इन तरह कोई कटोरी ले ले वहाँ। आपके घर में कोई भी कटोरी हुआ जिन्हें ले लीजो, और ध्यान रख जो कटोरी थोड़ी साइड मुँह शार्प होनी चाहिए। इन तरह कटोरी लेना पर गोल काट ले वहाँ, इजीली कट जावेला। इन तरह आराम निकल जाया करे। इन तरह मैं काटने गोल गोल 7 पीस तैयार कर लिया हूँ। तो आप देख रहे हो दिखने मायने बहुत सुंदर लग रही है। करे करे यूं वह काटती रहे हमारा थोड़ा फट भी जाया करे, या थोड़ा सा फट गया है तो इन्हें कोई बात नहीं। अब जगह लारे बच गया है उन्हें अपना फेंकना नहीं है। इन्हीं रेसिपी रे मैंने इन्हें इस्तेमाल कर ला। और साइड रे मायने कढ़ाई रे मायने मैं पानी गर्म कर लिया हूँ, और पानी रे मायने उबाल भी आई गए हैं। पानी रे मायने उबाल आया बाद रे मैं वजी कटोरे वजे ऊपर काटने रखे हा के करने सब इन मायने डाल दिए। पानी रे मायने आपने नमक वगैरह गालने की जरूरत नहीं है। पानी रे मायने डाले यार बाद में आपने ज्यादा नहीं पकाना है, खाली 1 मिनट वास्ते इन तरह आप कर लीजो। 1 मिनट में सॉफ्ट हो जावेला। अब बहुत ज्यादा पकावला तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जावेला। अब इन डालने रखे लगभग 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट बाद रे मायने इन्हें अपना निकाल ली होना है, क्योंकि गर्म है वास्ते जल्दी सॉफ्ट हो जाया करे। इन्हू ज्यादा करोला तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जावेला, पचे वे अच्छा नहीं रहेगा। अब इन्हें ठंडा करने वास्ते साइड में रख देवा। जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक जी पत्ता को भी बचाने रखी वे पाची ले लेवा। अब इन पत्ता को इन्हें अपना रफली काट लेवा। इन तरह आप इकट्ठा कर लीजो और रफली आप काटने तैयार कर लीजो। जरूरी नहीं आप पतला पतला काटो, किकर भी आप काटने तैयार कर सको। तो आप देख पा रहे हो इनमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होया करे। अब बेटा मैं मिक्सी रो जार लिया हूँ, जिन पत्ता गोभी ने अपन रफली काटिया यही में डाल दे। इन्हीं साथ में आधा कप है दही लियो और दही में डाल दे। यदि आप दही नहीं खावता हो तो इन जगह माते आधा कप पानी डाल दीजो, और थोड़ा सा नींबू रस डाल दीजो। आधे नींबू रस आप इनमें आराम डाल सको, और ढक्कन लगाने ने पीस ले। अब इन्हें खोलने देख लिया, तो आप देख पा रही हो इन तरह स्मूथ पेस्ट बन गया है। इन्हीं तरह पेस्ट बनाना पड़ा तैयार करना है। अब इन्हें अपना साइड में रख देवा। अटे मैं एक बाउल लिया हूँ, बाउल में सब पहले अपना 1 कप इतनी सूजी डाल देवा। मैं अटे मोटी वाली सूजी ली हूँ जिकी अपा उपमा बनाने तैयार करिया करा। आप चाहो तो महीन वाली सूजी भी ले सको। अब सूजी ने अपा बाउल में डाल देवा। इन्हीं साथ जिकी पत्ता गोभी अपा पीसने रखी हाँ वहाँ भी मैं डाल देवा, और इनमें थोड़ा अपा पानी डाल देवा। अटे मैं 1 कप पानी लिए हूँ, आधो कप पानी पहले ही मैं डाल देवा। इन तरह ढक्कन लगाने जार ने अपा साफ कर लेवा। जार भी साफ हो जावेला और कुछ पानी वेस्ट भी नहीं वेला। अब पूरे पानी ने इन्हें डाल देवा। रेशियो बराबर ध्यान रखोला तो आपने घर में रेसिपी एकदम परफेक्ट बनने तैयार वेला। बस ढक्कन लगाने सूजी ने साइड रमाने फूलन वास्ते रख देवा। 10 से 15 मिनट रमाने सूजी अच्छी तरह फूल जावेला। जब तक गोल रेस्ट कर रही है उतनी देर मैंने साइड में मैं एक पैन लियो हूँ। पैन में 1 छोटा चम्मच वेता तेल डाल देवा। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, और गैस ना चालू कर देवा। अब तेल अपना गर्म हो गया है कि मैं आधा छोटा चम्मच वेती राई डाल देवा। राई ने हल्की सी पका लेवा, आँस ने अब धीरे कर लेवा। राई भी पानी चटकन डूब गई है। अब मैं 1 टेबल स्पून वजता सांभर मसाला डाल देवा। सांभर मसाला गालिया बाद रे मायने इनमें 2 टेबल स्पून वजता पानी डाल देवा, जिन्हों मसाला अच्छी तरह फूल जावेला। और सांभर मसाला किकर बनाना तैयार करना है इन रेसिपी में हमारे चैनल माते आपने दिखाई ही। उन्होंने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूँ। आप अपने घर में बहुत आसानी बनाना तैयार कर सकोला। वह मसाला भी अपना अच्छी तरह फूल गया है। मसाला अच्छी तरह फूल जाओ तो सब्जी माते अच्छा चिपक जाया करे। अब मैं लगभग 2 टेबल स्पून वजता प्याज लियो, जिन्हें मैं महीन महीन काट लियो और इनमें डाल दी हूँ। आँस ने इन टाइम अपना धीरे कर लिया बना है, और 2 टेबल स्पून जीती मैं शिमला मिर्ची ली हूँ अभी मैं डाल दी हूँ, और 2 टेबल स्पून जीती मैं गाजर ली हुई हूँ ये भी मैं डाल दी। सब्जियाँ इनमें थोड़ी थोड़ी करने डाल दो, और सब्जियाँ ने अपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। सब्जियाँ का क्रंची टेस्ट इनमें रहना चाहिए। लगभग इन्हें आधा मिनट तक पकावा। अब मैं 2 टेबल स्पून वैसे ही कॉर्न लिया हूँ, ये कॉर्न भी मैं डाल दी हूँ। कॉर्न आप रखने वह तो आप जरूर डाल दो, नहीं वह तो स्किप कर दीजो। इन जगह में तो आप चाहो तो मटर भी डाल सको, थोड़ा पनीर छोटा छोटा टुकड़ा करना है वे भी डाल सको। बस सब्जियाँ ने खाली अपना मिक्स करना है। अटे मैं आधा मिनट तक पकाया हूँ। अब गैस ने अपा बंद कर देवा, और इन्हें एक प्लेट में निकाल देवा। तो आप देख पा रही हैं सब्जियाँ दिखने मैंने कितनी सुंदर लग रही है, और सांभर मसाला के कारण इन मन खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है।
अब इन तरह फैलाने ही ना अपा साइड में रख देवा। मैं साइड रे मैंने सूजी रहे गोलन रखे लगभग 10 मिनट हो गया है। मैं इन्हें खोलने देख ला, गोल भी आप देख पा रहे हो काफी गाढ़ो हो गया है और सूजी पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इतना गाढ़ो गोलो पानी नहीं सीजे। सब ऊपर लिया भाई मैंने आधो छोटो चम्मच हो तो नमक डाल देवा। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम पतो डाल सको। अब थोड़ा सा इन मैंने पानी डाल देवा। इन तरह आप सूजी रो गोल बना लिया हाँ। इतना बनो ने मैंने लगभग मैं 1/4 कप पानी और ऐड करी हूँ। गोल एकदम परफेक्ट बन गया है। इन इस तरह रो होना चाहिए। अब मैं 7-8 कड़ी पत्ता लिया हूँ। इन्हें मैं पत्ता पतला काट लिया हूँ। कड़ी पत्ता की खुशबू इन मैंने बहुत अच्छी आवेला। इन्हें साथ मैं 1/2 कप पैसा हरा धनिया लिया हूँ। इन्हें भी मैं इन तरह काट लिया हूँ। ये भी मैं डाल दिया और सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप देख पा रहे हो सामग्री जिकी भी मैं इनमें डाली हूँ एकदम बेसिक सामग्री है जो आराम घर रहे मैंने मिल जाया करे। इन मैंने कोई सामग्री आप नहीं हुए तो स्किप भी कर सको। अब बैठे मैं 4 कटोरियां ली हुई हूँ जिकी एक ही साइज री है। आपके घर मैंने एक साइज री नहीं हुआ तो छोटी बड़ी कोई भी ले सको आप। इन कटोरिया मैंने थोड़ा थोड़ा तेल लगा दी वहाँ, हल्को हल्को तेल लगा दी उन्हें। आप चाहो तो हाथों भी तेल लगा सको या ब्रशों भी लगा सको। तेल पूरी कटोरी मैंने अच्छी तरह लाग जाना चाहिए। अब जगह केबेज रहा पत्ता पर सॉफ्ट करने रखे हाँ, आप देख रहे हो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता तो एकदम गल जाता, वे दिखने में अच्छा नहीं लगे। अब इन पत्ता ने इन मायने रख दे वहाँ आराम इन मायने सेट हो जावेला। यदि इन्हें सॉफ्ट नहीं करता यूज कटोरी मायने रखता तो वे पत्ता इन्हें सेप नहीं ले पाता। इस वास्ते इन्हें आधा मिनट वास्ते आपने सॉफ्ट करना है, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाया करे। अब जिका सब्जियां मसाला पा बना रखे हाँ वे मसाला थोड़ा थोड़ा लेने में डाल दे वहाँ तो आप अपने हिसाब कम पत्ता भी डाल सको। इन तरह फैलाना आप मसाला डाल दीजो। एक बार आपने घरे बनाना देखो ला जरा आपने मालूम पड़े ला इन्हें स्वाद बहुत अच्छा आया करे। अबे जिको गोलप्पा बनाने रखे हो अबे उन्हें वापस ले ला। इन्हें गोले में इन्हें एक सीसे इनो डाल दे वहाँ। यदि आपने कने इनो नहीं हुए तो इन जगह में आप आधो छोटो चम्मच मीठो सोडो डाल सको और थोड़ा सा इन माने पानी डाल दे वहाँ। इन तरह पानी डाल दीजो जिनो इनो अच्छी तरह एक्टिवेट हो जावेला और सब ने अच्छी तरह मिक्स कर ले वहाँ जिनो गोलापन अच्छा फूल जावेला। मैं अटे ऑरेंज फ्लेवर इनो लिए हूँ। आप चाहो तो नींबू फ्लेवर भी ले सको। फ्लेवर मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हल्को सा मैं इन मिक्स कर लिया हूँ। मिक्स कर यार बाद रे मैंने थोड़ा थोड़ा करना इन मैंने डाल देवा। थोड़ा सा पानी खाली रखना है। अटे मैं आपने याद दिला दू आपने मेरी रेसिपी कड़ी लाग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। आपने अच्छी लागती है तो आप लाइक करजो और यूट्यूब माते देखता हुआ तो मारे चैनल ने सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरूर दबा दीजो जिन जर भी मारा नया वीडियो आवेला आपने फोन रे मैंने घंटी बाज जावेला। और फेसबुक माते देखता हुआ तो मारे पेज ने फॉलो कर लीजो। इन तरह मैं सब माते भर दियो। अब हल्को हल्को इन्हें टैप कर लेवा जिन कारण अच्छी तरह जम जावेला। बैठे मैं एक कढ़ाई ली हुई हूँ और कढ़ाई में मैंने आप पानी घाल देवा। लगभग 2 कप पेज तो पानी में डाल दीजो और गैस ने चालू कर दीजो। इन्हीं साथ इन मन रखने वास्ते मैं एक रिंग ली हुई हूँ। आप रखने कोई भी रिंग हुए तो आप ले लीजो, रिंग नहीं हुए तो आप कोई बाउल भी ले लीजो। उन्हें इन मायने पानी रख देना है। अटे मैं एक छलनी ली हुई हूँ। आज छलनी सब घर मायने मिल जाया करे। यदि आप रखने छलनी नहीं हुए तो एक प्लेट भी रख सको। प्लेट ने भी थोड़ा सा पानी ऊपर ही रखना है, पानी टच नहीं होना चाहिए। इन वास्ते रिंग ली हुई है। बजे कटोरिया पर बनाने रखी हैं। इन कटोरिया ने इन माइन रख देवा। पूरा मन थोड़ा खाली लाग रहा है थोड़ा थोड़ा और डाल देवा। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है पाना, एक एक छोटा चम्मच वे तो और डाल देवा पर थोड़ा थोड़ा पाना खाली रखना है। बस इतना ही पाना खाली रखना है। अब नीचे भाप आऊँ डूगी है इन माते में ढक्कन लगा देवा और ढक्कन लगाने इन्हें 10-12 मिनट तक पका लेवा। 10-12 मिनट में इन्हें बहुत ही अच्छा पक जावेला। अब इन्हें पकाता लगभग 12 मिनट हो गया है। ढक्कन खोलने देख लें तो आप देख पा रहे हो 12 मिनट रे मायने बहुत ही अच्छा फूल गया है। आँच ने इन टाइम धीरे कर ले वहाँ। कोई भी आप टूथपिक वगैरह ले लीजो और अंदर डालने देख लीजो। टूथपिक एकदम क्लीन आई है। इन तरह क्लीन आई है इन मतलब अच्छी तरह पक गया है। यदि आपने क्लीन नहीं आवे इनमें थोड़ा सा लागोड आवे तो थोड़ी देर और पका लीजो। अब आप गैस ना बंद कर दे वहाँ। अब गर्म गर्म ने नहीं निकाला, हल्को सा ठंडो कर यार बाद में निकाला। अब ठंडा हो गया है, ठंडा हो रहा बाद रे मायने इन्हें अपना निकालना है। साइड आपने थोड़ा सा चाकू फेर दीजो। ठंडा हो रहा बाद रे मायने साइड अपना आप छोड़ दिया करे। अब इन्हें उल्टा करना अपना निकाल लेवा। इन तरह आप टैप कर जो तो आप देख रहे हो इजीली निकल जावेला। पत्ता को भी आप देख रहे हो इनमें चिपक गई है। इन्हों कलर भी कितना सुंदर लाग रही है। हल्को सा मैं आपने खोलने दिखूँ, देखो मसाला इनमें तो पूरा चिपक उड़ा है। पत्ता को भी अच्छी मसालेदार हो गई है। आ खाउंडे मायने बहुत अच्छी लगेला। अटे मैं आपने पत्ता को भी निकालने दिखाई हूँ। जिन टाइम आप सर्व करो उन टाइम आपने पत्ता को भी निकालने की जरूरत नहीं है, उन्हें साथ ही आप सर्व कर जो जिन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इन तरह मैं एक छोटा चम्मच तेल रो इस्तेमाल करना है। पौष्टिक नाश्ता तो बनाना तैयार कर लियो। इन्हें स्वाद तो अच्छा है ही, इन्हें साथ पत्ता को भी और मसाला कारण लुक भी बहुत अच्छा लग रही है।
यू तो आप इन्हें कोरो भी खा सको, आप चाहो तो नारियल चटनी के साथ भी सर्व कर सको। तो आप भी अपने घर में नाश्तो जरूर ट्राई कर जो। बेर मिला साढ़े दूजे वीडियो मायने, जब तक राम राम सा।